दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं। मेरे चैनल पे आने के लिए आप लोगों का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग कुशल हैं, मंगल हैं। और हमारी जो फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग का जो प्रोसेस है, उसमें जो 30 मई तक जिन्होंने रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, जो 15 दिन का जो हमारा सर्कल होता है, उसमें जो 30 मई तक जिनका सर्कल पूरा हो गया था, उनकी उनमें से जिनकी कुंडली सिलेक्ट हुई है, उनकी आज मैं रीडिंग करने की कोशिश करूँगा। बहुत दिनों से मैंने प्रोसेस बताया है आप लोगों को, हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ शॉर्ट में, बट इस बार मैं फिर से आप लोगों को क्लियर कर लूँ। जो जो ये वीडियो नया देख रहे हैं, जो मेरे चैनल पहली बार आके विजिट कर रहे हैं और उनको फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग करवाने का में इंटरेस्ट है, उनको यही बोलूँगा जी कि जो डिस्क्रिप्शन में नंबर देता हूँ, उस पर आप व्हाट्सएप में मुझे हेलो लिख के भेज सकते हैं, हेलो हाय लिख के भेज सकते हैं। मैं आप लोगों को डिटेल दे दूँगा, आप लोगों को डिटेल फुलफ़िल करना होता है और वो इन्फॉर्मेशन देने आप लोगों को मुझे प्रोवाइड करना होता है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होता है और एक स्क्रीनशॉट उसका वही डिटेल में देना होता है। साथ में क्या बोलते हैं, अपना अपना जो पर्सनल को दोस्त जो सवाल है, वो सिर्फ दो एंटरटेन होते हैं। अगर आपके आपकी कुंडली सिलेक्ट होती है तो आपके वो दो पर्सनल जो सवाल हैं, उनकी जवाब यूट्यूब में वीडियो के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। ये एक सिंपल प्रोसेस है, इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश ना करें। व्हाट्सएप पे ही इंटरटेन किया जाता है फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग को, उसको और भी ज़्यादा कुछ और आपके आप लोग सोचें तो वो नहीं है। ये प्रोसेस फ्री चार्ट रीडिंग सिलेक्टेड चार्टों की होती है, जिनका 15 दिन का राउंड होता है, जिनका सिलेक्ट हो जाता है उनकी ही रीडिंग होती है और उनकी रीडिंग यूट्यूब पे होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई है। जो जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं मेरा चैनल पहली बार आप आए हैं, तो आप लोगों का स्वागत है। और ये प्रोसेस अगर आप फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग लेना चाहते हैं, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को रिस्पांस दे दूंगा। अगर आपको रिस्पांस लेट मिलता है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, बिकॉज मैं हमेशा फ्री नहीं रह पाता हूँ। तो जब भी मैं फ्री होता हूँ तब मैं रिस्पांस देने की कोशिश करता हूँ। तो पर्सनल रीडिंग में भी आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए व्हाट्सएप पे, और वो चार्जेबल होती है, वो जो रीडिंग होती है वो इंस्टेंट होती है, तो वो चार्जेबल होती है। और यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वहाँ सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता है, तो वो डिफरेंस है, इसलिए वो चार्जेबल होती है। ठीक है, तो पहली कुंडली रीडिंग करते हैं आज, जो 30 मई में सिलेक्शन हुई है। जो पहली कुंडली है वो दामिनी जी की है। दामिनी जी, आपने जो मुझसे सवाल पूछा है वो पर्सनल लाइफ के रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड पूछा है, और दूसरा गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड पूछा है। तो मैरिज रिलेटेड चीज़ों में तो आपको ये बता दूं जी कि आपका चंद्रमा डाउन है, आप टॉरस लगन की हैं, मतलब आपका जो लगन वो टॉरस है, एसेंडेंट आपका जो टॉरस है, और चंद्रमा उसके जस्ट ऑपोजिट, मतलब सातवें घर में चंद्रमा बैठा है, उसके साथ चंद्रमा के साथ तीन और प्लैनेट बैठे हुए हैं, सूर्य, गुरु और बुध। यहाँ बुध गुरु के बैठ जाने के कारण शादी टूटने के चांसेस नहीं बनते हैं, लेकिन शादी में यहाँ डिफ़िकल्टीज रहेंगी। और सिर्फ गुरु इतने सारे प्लैनेट्स को डील नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे अगर सूर्य अगर सातवें घर में बैठ जाता है तो थोड़े से पर्सन डोमिनेटिंग हो जाते हैं, और नेचर में थोड़ा सा डोमिनेटिंग फिगर आ जाता है, आपके नेचर में हो सकता है थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर आ सकता है, लेकिन गुरु उसे मॉडरेट करता है। पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि चंद्रमा डाउन है, और चंद्रमा डाउन होने के कारण आपके जीवन में ये जो कष्ट है, मन का जो भाव है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा से हम मन का भाव देखते हैं, और अगर मन का भाव अच्छा नहीं है तो दिक्कत होती है। मैं आपसे यही बोलूँगा कि चंद्रमा के उपाय करिए, कोई भी सफ़ेद चीज़ है उसका डोनेशन परमानेंटली डेली बेसिस पे करने का कोशिश करिए, और किसी भी शक्ति का, माँ का, दुर्गा माँ का, काली माँ का, उनका उनकी पूजा, उनकी आराधना करना शुरू करिए, और भोलेनाथ की पूजा करिए, शिव की पूजा करिए, और मेडिटेशन करने की कोशिश करिए। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, इससे आपको बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी में आपकी ग्रोथ होगी और आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपकी दशाओं की। आपकी प्रेजेंट दशा केतु की चल रही है, केतु की दशा के कारण भी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि केतु की दशा हमेशा विच्छेदात्मक दशा होती है, आइसोलेशन क्रिएट करती है, पर्सनल लाइफ में दिक्कतें, हर चीज़ में दिक्कत लाने की कोशिश करती है। हालांकि केतु की सीधी दृष्टि यहाँ पे नहीं बन रही है, लेकिन अगर आप पर्सनल लाइफ को देखें तो पर्सनल लाइफ और मैरिज लाइफ के घर से 6-8 का रिलेशन बना के केतु यहाँ पे चल रहे हैं, और इस कारणवश क्योंकि केतु आपके 12वें घर पे बैठे हुए हैं, इस कारणवश यहाँ पे ये दिक्कत 2029 तक रहेगी।
केतु की महादशा जो आपकी शुरू हुई है 2022 से शुरू हुई है और 2029 तक चल रही है। 2022 के अप्रैल के महीने के आसपास से केतु की महादशा आपकी शुरू हुई है और उस वक्त से ज़्यादा कष्ट आने के चांसेस हुए होंगे। तो ये अगर आपकी शादी अभी हुई है तो केतु की महादशा में ही आपकी शादी हुई है तो वो और ज़्यादा कष्टदायक रहे हैं, लेकिन यहाँ पे केतु की महादशा ख़त्म होने के बाद हो सकता है आपको अच्छा ग्रोथ अपनी पर्सनल लाइफ में देखने को मिले। लेकिन उसमें भी मैं आपको एडवाइजरी दूंगा जी कि उसमें भी आप थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि शुक्र छठे घर में बैठा और केतु के बाद शुक्र की ही महादशा आने वाली है, लेकिन इससे बेहतर होगी। शारीरिक कष्टों से थोड़ा सा आपको अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं जी कि आपने जो गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछा, जी हाँ, आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोशिश करेंगी तो अच्छा प्रदर्शन दे सकती हैं, लेकिन चंद्रमा डाउन होने के कारण आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन मिलने में असफलता हो रही है या दिक्कत हो रही है। बट इस समय अगर मैं बात करूँ तो 2024 के अक्टूबर के बाद चंद्रमा यहाँ से चंद्रमा की अंतरदशा ख़त्म होगी। चंद्रमा की जो अंतरदशा लगी है वो मार्च 14 के आसपास से लगी है, 2024 के मतलब मार्च के महीने के आसपास से लगी है। तो फरवरी मार्च से जो चंद्रमा लगे हैं उससे और भी ज़्यादा मन का विच्छेद और बहुत ज़्यादा दिक्कत शुरू हुई होगी और मन काफ़ी विचलित और बहुत ज़्यादा रेस्टलेस मतलब मन में भावनाएं जो हैं बहुत सारी आती हैं और उनको कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल होती है और बहुत ज़्यादा इसे हम एक तरीके से डिप्रेशनल फॉर्म या डिप्रेशन में जाते हुए इंसान देख सकते हैं। आपका हो सकता है आपको एक डिप्रेशन का एक फॉर्म में आप आ रही हैं, तो इसको आपको बचाना पड़ेगा, अपने आप को शक्ति माँ की पूजा पे लगाना पड़ेगा। माँ की पूजा करिए, डोनेशन करिए, वाइट चीज़ों का डोनेशन करिए, कुछ भी लिक्विड चीज़ों का डोनेशन करते रहिए और ये कॉन्स्टेंटली अपने जीवन में करते रहिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। सूर्य नमस्कार करिए, आत्मा की शक्ति आपको अच्छा आपका जो शक्ति है आपकी पर्सनल आपकी जो इनर सोल है उसको ज़्यादा पावर मिलेगा, फोकस मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको ये बोलूँगा कि इसके बाद जो अक्टूबर के बाद जो मंगल की दशा लगेगी उस वक्त आप कोशिश कर सकती हैं और राहु की दशा जो अंतरदशा लगेगी मार्च के महीने 2025 के बाद जो राहु की महादशा लगेगी उस वक्त भी आप कोशिश करेंगी तो अच्छा रहेगा। नौकरी के लिए आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो वर्क फोर्स में आपके ग्रोथ है, क्योंकि शनि 10वें घर में बैठे हैं। शनि 11वें नंबर पे 10वें घर में बैठे हैं, मतलब एक्यूरियस लगन के अपने ही घर में बैठे हुए हैं शनि, तो यहाँ पे देर सही लेकिन अंधेर नहीं होगा। शनि जब भी यहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे वो अच्छा रिजल्ट, शनि जब भी मतलब मैं बोलूँगा जी कि शुक्र की राशि में अगर शनि वर्क हाउस का लॉर्ड होकर वर्क हाउस में बैठा है तो ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने की कोशिश करेगा शनि, लेकिन शनि की महादशा और अंतरदशा चल नहीं रही है, इस कारणवश ये आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जब भी राहु आएगा तो राहु से शनि का अगर देखा जाए तो नवम पंचम का योग बन रहा है, बहुत अच्छा योग बनेगा। राहु छठे घर पे बैठा हुआ है, छठे घर का राहु बहुत शक्तिशाली होता है और लगन आपका वीक है, शुक्र छठे घर में बैठा है लेकिन राहु के साथ बैठा है, इसलिए मैं ज़रूर बोलूँगा क्योंकि आपको जॉब के लिए कोशिश करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी लेकिन आपको सफलता मिल जाएगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा कम्पिटिटिव एग्जाम से। और मंगल भी चौथे घर में बैठा हुआ है, ये अच्छा है, सूर्य के लगन बैठा, सूर्य सातवें घर में बैठा, कॉम्बिनेशन देखा जाए तो यहाँ पे वर्क के लिए अच्छा है और बिजनेस के लिए भी अच्छा है, लेकिन लिक्विड बिजनेस मत करिएगा, आपको दिक्कत होगी। लेकिन जॉब के लिए बहुत अच्छी कुंडली है और जॉब अगर आप करते रहेंगी, जॉब में अगर आप कोशिश करेंगी तो गवर्नमेंट या प्राइवेट जहाँ आप जाना चाहें वहाँ आप जा सकती हैं और आपके लिए ग्रोथ होगा। बहरहाल ये आपकी रीडिंग थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा पसंद आया हो और आपको समझ में आया हो जो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। कुछ उपाय हैं जो बड़े उपाय हैं जो इन रीडिंग पे नहीं होता है, उनको आपको कुछ पेड सर्विसेज में लेना पड़ता है, तो आपको कि मुझसे नहीं किसी और से भी अगर आप करवाना चाहें तो आप करा सकते हैं। दूसरा एक लास्ट बात बताओ, आप मांगलिक हैं तो शादी करते हुए आपने मांगलिक चेक करवाया होगा, अगर नहीं करवाया है तो अब चेक करवा के उसके उपाय करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगली कुंडली पर चलते हैं, तो अगली कुंडली जो है वो ईशाश्री की है। मैं अगर नाम में कोई प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो आई एम रियली सॉरी ईशाश्री मिस पांडा, मेरी इंटेंशन नहीं है, बट हो सकता है थोड़ी स्पेलिंग में मेरी कंफ्यूजन हुई होगी तो प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है। आपके इनकी कुंडली है, इनके दो सवाल हैं जी कि जॉब गवर्नमेंट होगी या नहीं और दूसरा जी कि मैरिज लाइफ कैसा रहेगा, ठीक है।
जॉब गवर्नमेंट होगी कि नहीं, 50-50 चांसेस हैं इसमें। कोई ये नहीं कहूँगा जो कि बहुत अच्छे चांसेस हैं, लेकिन ये भी नहीं कहूँगा बहुत खराब चांसेस हैं। 50-50 चांसेस हैं। गुरु छठे घर पर बैठे हुए हैं, गुरु छठे घर में बैठा हुआ गुरु यहाँ पे दिक्कत ज़रूर देगा, लेकिन जॉब वगैरह में आपको अच्छा ग्रोथ देने के चांसेस ज़रूर बनाता है गुरु यहाँ पे, ठीक है। पाकिस्तान का मालिक हो, छठे स्थान पर बैठा हुआ है गुरु यहाँ पे, तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन 12वें का मालिक होकर छठे में, तो अगर आप सर्विस सेक्टर में कोई जॉब ढूंढ रही हैं, जैसे सर्विस मतलब मेडिसिन या कोई और सेक्टर जैसे जिसमें वेलफेयर हो जाए, फार्मेसी, सर्विस सेक्टर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलती है बट कुछ निकलती हैं, अगर आप वो भी करने के मतलब फॉरेन इंस्टेंस जो भी जॉब है जो वेलफेयर से रिलेटेड हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। विजडम नॉलेज अगर प्रोवाइडिंग कोई जॉब हो तो वो अच्छा रहेगा, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे क्या है कि केतु थर्ड हाउस में बैठ गया है। केतु थर्ड हाउस में बिठा के आपकी मेहनत में दिक्कत देने की कोशिश करेगा, क्योंकि केतु आइसोलेशन डिस्टेंस लाता है, तो छोटे भाई बहनों से भी डिस्टेंस लाएगा और यहाँ पर मेहनत में भी डिफिकल्टी लाने की कोशिश करेगा। तो आपको इसमें 50-50 चांसेस की मैं बात बोलूँगा, लेकिन शनि 10वें घर में बैठा हुआ है और शनि 10वें घर में बैठने के कारण और अपनी कैप्रिकॉर्न लग्न में बैठने के कारण धीरे फल देगा, लेकिन ज़रूर देगा। अगर आप कोशिश करेंगी तो अच्छा फल मिलेगा। आपका जो समय था 2022 से पहले पहले गुरु की महादशा चल रही थी, उस वक्त आप कोशिश करती तो ज़रूर आपको मिलता, बट हो सकता है कि लग्नेश क्या पता नहीं क्यों नहीं मिला, बट मिलना चाहिए था। बट अगर आप अब भी कोशिश करती हैं तो मंगल तीसरे घर में बैठा, जी हाँ मंगल तीसरे घर में बैठा हुआ है और चंद्रमा भी तीसरे घर में बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको यहाँ से देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 मंगल की दृष्टि पड़ रही थी, तो हो सकता मंगल में जब गुरु के अंतर्दशा में मंगल चल रहा था तब आपको कोशिश करनी चाहिए थी, आपको मिलनी चाहिए थी नौकरी, आपको अच्छी ग्रोथ मिलने के चांसेस थे। हाँ यहाँ पे ये बोलूँगा जी अभी शनि की दशा चली है, आप प्राइवेट जॉब भी ट्राई कर सकती हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब ट्राई करेंगी तो आपको अच्छा फल मिलने के चांसेस है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप कोई जी हाँ अगर आप अब शनि की महादशा चल रही है और शनि 10वें घर का मालिक है, तो अब जो 2022 से तो शनि की महादशा लगी है और जो 41 तक चलेगी, इसमें स्लो रहेगा प्रोसेस, लेकिन इसमें आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जी कि नौकरी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस हैं, लेकिन आप कितनी फोकस हैं, आप कितनी अच्छी हैं, आप उसको देख के आप आपको जॉब के आपका बनेगा। एक चीज़ और यहाँ पे यह है कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है वहाँ पे एक सूर्य की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपको जो जॉब मिलेगी वो हो सकता है जो कि लोअर कैटेगरी में जॉब मिले, क्योंकि अगर सूर्य शक्तिशाली नहीं है तो दिक्कत होती है। लोअर कैटेगरी मतलब ऐसी जॉब मिले जो जैसे वाटर डिपार्टमेंट हो गया या सैनिटेशन डिपार्टमेंट हो गया या सर्विस सेक्टर डिपार्टमेंट हो गया, जहाँ पे पोस्टिंग जो होती है वो आपकी एजुकेशन के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, ओवरऑल मैं आपके चार्ट के हिसाब से कह रहा हूँ, जो डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर आप उस किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगी तो, क्योंकि सूर्य यहाँ पे डेब्लिटेटेड है, नीच का है सूर्य और आपके लगन को दृष्टि दे रहा है, इस कारणवश हो सकता है जी कि आपके अंदर जो पर्सनैलिटी वो थोड़ा सा एरोगेंट हो सकता है। अब उम्र हो गई है तो हो सकता है जो एरोगेंस खत्म हो गया हो, लेकिन जो पर्सनैलिटी वो एरोगेंस है और जो एरोगेंस है वो आपको नुकसान देने वाला एरोगेंस है। यहाँ पे कोई अच्छा एरोगेंस नहीं देने के यहाँ पे सूर्य दे रहा है। साइमल्टेनियसली पेट से रिलेटेड या कोई भी बीमारी देने की कोशिश कर रहा है, बॉडी स्ट्रक्चर में आपकी बीमारी है। सूर्य यहाँ पे 7वें घर में डेब्लिटेटेड है, मारक है, तो यहाँ पे सूर्य डेब्लिटेटेड होने के कारण आपकी लाइफ की आपकी जो लाइफ की जो आत्मा है वो वीक है। मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बोलूँगा जी कि आप यहाँ पे सूर्य नमस्कार करना और सूर्य की पूजा करना तुरंत शुरू कर दीजिए, अगर आप नहीं करती हैं तो, अगर आप करती हैं तो बेहतर है, और सूर्य नमस्कार और सूर्य की पूजा करना शुरू करिए। और किसी को भी कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ देना शुरू कर दीजिए जिससे उनके घर पे उजाला हो सके, लाइक आप मोमबत्ती दे सकती हैं या किसी को ऐसी चीज़ें दीजिए, जैसे आपके अगर जान पहचान वाले हैं तो वहाँ पे अगर आप कोई किसी की गाड़ी या किसी के साथ जाती हैं तो उनके उनके लिए पेट्रोल या ऐसी चीज़ें आप प्रोवाइड करिए जिससे उनके उनके जो उनकी लाइफ में एक फायर क्रिएट हो। अगर फायर क्रिएट होता है तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर आप फायर डोनेट करती हैं तो सूर्य यहाँ पे स्ट्रांग होंगे, तो ऐसी चीज़ें डोनेट करने की कोशिश करिए जो फायर क्रिएट करती हैं। अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं समझ पा रही हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, जब भी आप किसी को प्रोवाइड करें, कुछ गिफ्ट करें, तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल गिफ्ट करने की कोशिश करिए, और वो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल मतलब नया गिफ्ट करने की कोशिश करिए, वो भी एक तरीके से देगा जो इलेक्ट्रिसिटी से रन करे, कोई भी अप्लाइंसेस आप देने की गिफ्ट करें, ठीक है। अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी बिल
अगर अपने पैसे से कमा के अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने पैसे से पे करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा अगर आप सूर्य को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो। इलेक्ट्रिस रिलेटेड या हीट रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसका डोनेशन या उसके ऊपर सर्विस करें तो अच्छा रहेगा, सूर्य नमस्कार करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बहरहाल ये बात रही आपके जॉब के लिए और आपके पर्सनल लाइफ के लिए। पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग मैं ये बोल दूँ कि मैरिज में यहाँ पे सूर्य डेब्लिटेटेड है, सातवें घर में बैठा है, सातवें घर से मैरिज को देखते हैं उसी घर में सूर्य बैठा है, डेब्लिटेटेड है। जब तक आप ये उपाय करेंगी तभी आपका कुछ अच्छा हो सकता है। साइमल्टेनियसली यहाँ पे बोलूंगा क्योंकि सूर्य यहाँ पे आत्मा का कारक होकर सातवें घर पे बैठा हुआ है, इस कारणवश यहाँ पे कहीं ना कहीं मैरिज में ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो आपकी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं आपके पार्टनर के लिए, आपके लिए, या आप एक तरीके से देखा जाए तो एक दूसरे के खून के प्यासे भी हो सकते हैं। मतलब इट्स लाइक कि इतनी ज़्यादा एग्रेशन हो, इतना ज़्यादा ईगो हो जिकि एक तरीके से एक दूसरे के लिए आप आत्मा का मिलन ही ना हो, आत्मा का कनेक्शन ही ना हो जब तक आप सूर्य को अच्छा नहीं करती। हाँ बहरहाल ये ज़रूर बोलूँगा जी कि शादी जो है वो आप लव मैरिज करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगी क्योंकि सूर्य पंचम घर का मालिक होकर सातवें घर में बैठा है, इस कारण में सूर्य मैरिज में हो सकता है आपको लव मैरिज कराने के लिए फोकस कर रहा हो। लेकिन मैं यही बोलूंगा जी कि फैमिली ओरिएंटेशन है, शनि दसवें घर पर बैठा है, पिता के घर पर बैठा है और शनि का कब का लगन है वो, तो यहाँ पे फैमिली ओरिएंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप मांगलिक हैं, आप भी मांगलिक हैं, आप चंद्रमा मून से रिलेटेड चंद्र राशि के हिसाब से आप मांगलिक हैं, तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा जी कि एक बार कुंडली मिलान करने के बाद ही शादी का सोचें। हालांकि यहाँ पर मैं ज़रूर ये बोलूँगा जी कि शुक्र डाउन है, सूर्य डाउन है, यहाँ पे शादी के जो योग हैं वो कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं नज़र आते हैं। अगर आप कुछ उपाय, लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर बोलूँगा जी कि इम्पॉसिबल नहीं है, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा लेकिन मैरिज में कॉम्प्लिकेशंस आने की चांसेस हैं। ईगो के प्रॉब्लम या एक तरीके से देखा जाए तो जो शरीर में जो आत्मा है उसमें जो एक दूसरे की जो एक फीलिंग है वो ना होने के कारण या हेल्थ इश्यूज़ के कारण कोई ना कोई डिस्टेंस या कॉम्प्लिकेशन ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होने के चांसेस हैं। बहरहाल मेरे को उम्मीद करता हूँ मैं आपको जी कि आपको मेरी बात समझ में आई हो, पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो, समझ में आई हो तो ज़रूर कुछ बताइएगा। अगली कुंडली पे चलते हैं। बहरहाल अगली कुंडली जो है वो है मिस्टर राम की। अरे राम अयोध्या से यहीं आ गए सीधा। अच्छा जी, चलो राम जी कैसे हैं आप? अच्छे, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं। ठीक है राम जी के दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है जी कि राहु का सिचुएशन कैसा है, और शायद आपका दूसरा सवाल है कि कुंडली में धनयोग है कि नहीं है। भाई साहब किसी भी कुंडली में अधनयोग नहीं होता है, हर किसी कुंडली में कोई ना कोई धनयोग होता ही होता है, नहीं तो आपके जीवन में कोई धन होगा ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए अगर आपके कुंडली में धन योग नहीं हो तो। हाँ आपकी जो पर्सनल क्वेश्चन है, एक जो इंसान की क्या बोलते हैं, अगर बोला जाए तो एक महत्वाकांक्षा या लालच बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, अच्छा बोले तो महत्वाकांक्षा, बुरा बोले तो लालच, तो अगर उसको अगर देखा जाए तो धन योग ज़रूर यहाँ पे देखा, मतलब इंसान पूछते हैं कि नहीं है। मैं धन योग के बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, किसी के जीवन में कुछ ना कुछ धन आता है, ठीक है, हर किसी की कुंडली में धन योग है। किसी की कुंडली में धन योग नहीं है तो यहाँ जिंदा नहीं रह सकता। उधार योग होगा, है ना, तो उधार लेके जी रहा होगा तो वो भी तो धन ले रहा होगा ना किसी से, तो धन लेके उधारी में जी रहा होगा तो वो है, ठीक है। तो धन योग आपकी ज़िंदगी में क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप किसी और से पूछ लीजिएगा। बहरहाल आपके 11वें घर में जो इनकम का हाउस है वहाँ केतु का विराजमान है, वहाँ केतु बैठे हुए हैं, और केतु अगर 11th हाउस में बैठ जाए तो अच्छा पैसा देते हैं, लिक्विड पैसा आपको बेहतरीन तरीके से मिलने के चांसेस होंगे, ज़रूर होंगे। अगर चंद्रमा भी आप देखा तो चौथे घर में बैठा है, गुरु के घर में बैठा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी भी तरीके साम दाम दंड भेद आप पैसा आएगा, ठीक है। अब बात आती है ये राहु की जो सवाल है जी कि राहु आपकी कुंडली में कैसा बैठा है। कुंडली में राहु यहाँ पे शनि के घर में बैठा और शनि 12वें होके बैठे हैं अपने घर, और यहाँ पे शनि जो है छठाष्टक योग बना रहे, मतलब 6-8 का रिलेशनशिप बना रहे अपने घर के साथ राहु के साथ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़रूर ये दिखाता जी कि आपको अपने बर्थ प्लेस से दूर कहीं पर सक्सेस मिलने के चांसेस बनते हैं अगर राहु को आपको एक्टिवेट करना है तो। दूसरा, यहाँ पे राहु कहीं ना कहीं एजुकेशन में ऑब्स्ट्रक्शन देंगे, कहीं ना कहीं राहु यहाँ पे
हेल्थ इश्यूज देने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं राहु यहाँ पे बच्चे से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम देने की कोशिश करेंगे। बट राहु यहाँ पे पंचम स्थान में बैठने के कारण आपका फोकस शायद पैसे से रिलेटेड, तो पैसे में अच्छा फायदा देंगे। राहु पंचम स्थान में बैठते हैं तो पैसे का अच्छा फायदा देते हैं, क्योंकि नवम से पंचम अगर देखा जाए तो पंचम स्थान से अगर नवम को देखा, भाग्य स्थान को दृष्टि देंगे, आय स्थान को दृष्टि देंगे और लगन को दृष्टि देंगे, तो दिमाग हमेशा फोकस ही धर्म भी करेगा आदमी तो पैसे के लिए करेगा। आय स्थान को फोकस दे रहा है राहु तो पैसा भी पढ़ाई भी कर रहा है तो पैसे के लिए कर रहा है, और लगन पे फोकस दे रहा है तो लगन भी जो अपने आप को जो सोचता है वो सिर्फ पैसे के लिए सोच रहा है। ठीक है, तो लॉटरी सट्टा इन सब चीज़ों में आप जाने की कोशिश करेंगे, क्विक मनी लाने की कोशिश करेंगे पंचम स्थान से राहु कैसे भी करके, क्विक मनी एजुकेशन लॉटरी सट्टा या बच्चों के थ्रू, बच्चों के थ्रू या गर्लफ्रेंड्स के थ्रू पैसा लाने की कोशिश करेगा। बहरहाल ये थी रीडिंग आपकी, उम्मीद करता हूँ आपको अपने बारे में समझ में आया होगा। राहु यहाँ पे अच्छा फल देता है लेकिन कॉम्प्लिकेशंस भी देता है, और शनि के यहाँ दूर होने के कारण थोड़े से शनि के उपाय और राहु के उपाय करिएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद, आज की इस रीडिंग के लिए यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।